हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमाज कुकिंग जोन। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छी होंगे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर के आई हूँ। इसे आप व्रत में बनाइए या फिर बिना व्रत के भी आप इसे जो बनाना चाहेंगे, इतनी टेस्टी रेसिपी ये बनती है ना। एक बार आप इसे बना लेंगे ना तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। बहुत ईजी है ये, बहुत ही कम सामान में बन करके ये तैयार हो जाता है। बच्चे हों या बड़े हों, सभी इसे मांग मांग करके खाएंगे। तो देखिए, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी है। और आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमें जरूर बताइएगा, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। बस चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने, देखिए, कच्चा नारियल जो पानी वाला होता है ना, पूजा में चढ़ाते हैं, उसको मैंने लिया है एक नारियल। और उसको मैंने ऊपर का जो छिलका होता है, ब्राउन पार्ट होता है ना, उसको मैंने निकाल दिया है और इसको छोटे छोटे पीसेस से मैंने कट कर लिया है इस तरीके से। अब मैं सबसे पहले इसको मेज़र कर लेती हूँ कि ये कितना कटोरी या कप हुआ है। तो मैं इसी कटोरी से नाप रही हूँ, आप कोई भी कप कटोरी ले सकते हैं, उससे सारा मेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहले मैं इसको इसमें डाल लेती हूँ। तो ये देखिए, पूरी एक कटोरी के बराबर हुआ है। तो मैंने ये एक कटोरी लिया है, पहले एक ग्राइंडर में डाल दूँगी इस तरीके से। तो ये मेरा एक कटोरी नारियल हुआ, उसमें मैं ये हाफ कटोरी, देखिए, गुड़ डाल दी हूँ। गुड़ पाउडर है, उसको मैं डाल दी हूँ। आप कोई भी गुड़ को ले सकते हैं, जैसे डली वाले गुड़ अगर है तो उसको पीसेस में तोड़ लीजिए, फिर उस हिसाब से आप इसको नाप करके लीजिए। और जैसे मैंने गुड़ यूज़ किया है तो आप इसकी जगह चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा दूध डाल करके पीस सकते हैं। तो मैं इसको पीस लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको पीस लिया है, मैंने इसमें पीसने भर का दूध डाला है, तब मैंने इसको फिर अच्छे से महीन पीस लिया है। तो ये देखिए, इसी तरीके से हमें इसे महीन पीसना है। काफ़ी अच्छे इसका पेस्ट बन गया है। अब चलते आगे की प्रोसेस की ओर। अब इसको बनाने के लिए देखिए, मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है गैस पे। इसे मैं 2 चम्मच घी डालती हूँ। अब जो मैंने पेस्ट बना के रखा है ना, उसको मैं इसमें डाल देती हूँ। तो देखिए, सारे पेस्ट को मैंने इसमें डाल दिया है। अब हमें इसे भूनते रहना है, धीमे आँच पर हमें इसे भूनना है। इसे आप व्रत में बनाइए या फिर बिना व्रत के भी बनाइए, किसी भी ओकेजन पे आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है ये रेसिपी। एक बार जो इस तरीके से आप ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, इस नवरात्रि में आप इसे जो बना करके देखिए। बस इस तरीके से चारों तरफ से चलाते हुए बढ़िया से हमें इसे भून लेना है। जिस तरीके से मैंने इसमें गुड़ का यूज़ किया है फ्रेंड्स, तो आप इस तरीके इसकी जगह पर चीनी यूज़ कर सकते हैं। गुड़ डालने से क्या है, काफ़ी हेल्दी हो जाता है ये। अब इसमें 1/2 चम्मच में इलायची पाउडर डाल दे रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। गुड़ डालने से इसका कलर क्या है, थोड़ा सा चेंज हो गया ना। आप चीनी डाल के बनाएंगे तो आपका वाइट ही आएगा। अब मैं इसमें थोड़े से काजू और बादाम को कट करके डाल रही हूँ। आप कोई भी नट्स डाल सकते हैं, आप मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, धीरे धीरे कितना बढ़िया पैन छोड़ दिया है ये। थोड़ा सा और इसको भून लेते हैं, थोड़ा सा और ये हल्का सा ड्राई हो जाए। स्टार्टिंग में ही ना मैंने इसमें दूध डाल करके पीसा था ना, तो अब इसमें दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, आपको पता चलेगा जब आप इसे ट्राई करेंगे। तो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा रेसिपी आपकी कैसी बनी। और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, तभी हमें पता चलेगा कि आपने इसे बनाया और आपकी कैसी लगी ये रेसिपी। आप किस जगह से मेरी ये रेसिपी देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बस अब गैस को बंद कर देती हूँ और इसे सर्व करती हूँ। अपना नारियल का हलवा बन करके तैयार है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और इसको बनाने में कोई मेहनत नहीं है, जो मेहनत है इसको बस केवल इसके पीसने में है। बहुत ही टेस्टी नारियल का हलवा बन करके तैयार हुआ। आप इसे नवरात्रि में बनाइए या फिर बिना व्रत के भी बनाइए। इतनी अच्छी टेस्टी रेसिपी है ना कि आप इसे बनाए बिना तो रुक ही नहीं पाएंगे। जो इसे आप ट्राई करिए। ऊपर से थोड़े से मैं बादाम और डाल लेती हूँ इसमें, बाकी तो इसमें बादाम पड़े हुए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपने सोचा था कि नारियल का भी इतना अच्छा हलवा बन करके तैयार हो जाएगा कितना कम सामान में? तो आप इसे घर में जो बनाइए और अपने पैपे कमेंट्स करके हमें जो बताइएगा फ्रेंड्स कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। इस नवरात्रि आप इसे जरूर ट्राई करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।